हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है मेरे मनीषा व्लॉग चैनल में। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, ये जैसा कि आपको पता है कि अभी मेरा मायके का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। जब अभी छुट्टियों में हम घर गए थे, तो ये ना शादी है मेरे गांव में, मेरे भैया के बेटे की, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। हम कुछ दिन में गांव के लिए निकलने वाले हैं, तो यहाँ हम बहनें अपने अपना ड्रेस दिखा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या ले जाना है, नहीं ले जाना है, फिटिंग वगैरह सब देख रहे हैं। तो यहाँ मेरी दीदी ड्रेस दिखा रही है अपना कि कौन सा ले जाना है, किसको स्टिचिंग करवाना है, क्या करवाना है। तो बस यही सब हम लोग का चल रहा है। और फंक्शन कोई भी होता है ना, तो हम लोग की तैयारी 1 महीने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो मैं भी अपना तैयारी वारी करके ही चेन्नई से गई थी, बट हाँ अभी कुछ मुझे और भी ड्रेसेस लेने हैं। लहंगा मैं सोच रही हूँ एक ले लूँ अपने लिए, और मानवी के लिए भी मुझे कुछ शॉपिंग करना है। यहाँ के कलेक्शन, मतलब जहाँ मेरा मायका है वहाँ के कुछ कलेक्शन, मतलब ड्रेस वगैरह मुझे वहाँ का ना अच्छा लगता है। तो बस मैं सोच रही हूँ यहाँ से भी मैं लहंगा वहंगा ले लूँगी और मानवी के लिए कुछ ड्रेस ले लूँगी। तो मुझे ना उतना वो इंटरेस्ट नहीं रहता है कि मुझे ये लेना है, ये सब हेयर एक्सटेंशन ये, बट मेरी दीदी है ना, वो इस सब का बहुत ध्यान देती हैं। वही ये सब आइडिया देती हैं कि हेयर एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, गजरा वगैरह, तो ये सब का आइडिया मेरी दीदी ही दी हैं। अदरवाइज मुझे तो ये सब का बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। मम्मी के हाथों का आचार। तो यहाँ हम सब निकल गए हैं शॉपिंग करने जीजू के साथ। तो अभी गांव जाने में टाइम है, कुछ दिन बाद हमें निकलना है। तो ये कुछ ग्रॉसरी आइटम, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी आइटम हम लोग खरीद के लाए हैं। और तो यहाँ क्या है, कोई भी चीज़ चाहिए तो पास में मार्केट चले गए, किसी को भेज दिए, मंगवा लिए, बट गांव में ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो डेली उसके चीज़ें हैं, जैसे ब्रेड, जैम, बिस्किट, कोई आए, मतलब ये सब चीज़ें जो ज़रूरत के हैं वो सब हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए गाँव नहीं जा रहे हैं। मुझे लग रहा है 15 से 20 दिन के लिए हम गाँव जा रहे हैं, तो इतना सामान तो ठीक है। और कुछ यहाँ घर पे भी रहेगा बस इसके लिए। तो गाइस, फाइनली वो दिन आ गया और आज हम निकलेंगे गांव के लिए। तो अभी सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं, और बच्चों को हम सुबह ही उठा दिए, उनको नहला वहला के रेडी करा दिए, कुछ ब्रेकफास्ट करा दिए। सुबह वैसे तो किसी भी, मुझे लगता है कि बच्चों खाना कुछ पसंद ही नहीं करते, बट हम थोड़ा बहुत इन लोगों को खिला दिए हैं। ये देखिए सब लोग तैयार हो रहे हैं, बैग देखिए, बस हम निकलने वाले हैं। मतलब इतने सारे बैग हैं ना, ये देखो आप, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं और 1 महीने के लिए जा रहे हैं, 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। और मुझे तो वहीं से डायरेक्ट चेन्नई निकलना है, तो इसलिए मुझे भी अपना सारा सामान लेके जाना है। ऑलरेडी मैं बहुत सारा सामान लेकर आई थी, और उसके बाद यहाँ भी मैंने बहुत सारा शॉपिंग कर लिया, तो और भी मेरा सामान हो गया है। चप्पल है किसी में, और लहंगा, जो हमारा लहंगा है ना वो इतना हैवी है कि उसके लिए एक बैग अलग से हम लोग का हो गया है। तो 2 गाड़ी सब निकले हैं, एक में मैं, मेरी दीदी और मेरी छोटी बहन है और हमारे बच्चे हैं, एक में मम्मी और हमारा घर का जो टाइगर है डॉगी वो, और एक हाउस हेल्पर। तो बस हम निकल गए हैं, उसके बाद हम एक जगह रुके 6-7 घंटे ट्रैवल करने के बाद, खाए पिए, मतलब वहाँ हम कभी भी कहीं जाते हैं ना उस जगह ज़रूर रुकते हैं, मैं नाम नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ का चाट हमें बहुत पसंद है। तो चाट, लस्सी, ये सब हमने खाया पिया। ट्रैवल करते करते बहुत टाइम हो गया, तो हम आगे भी रुकेंगे, कहीं चाय वाय पियेंगे। मैं चली जय 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 जय। तो बिहार अपने गांव के लिए हम लोग निकल गए हैं, और यहाँ हम लोग रुक के बाहर खा रहे हैं, ये है ऑमलेट, चाय,
इसके साथ चिप्स समोसा ले लिए थे हम लोग और ऑलरेडी घर से लेकर निकले ही हैं, जो कि बैग में रखा हुआ है गाड़ी में। तो यहाँ मैंने म्यूट किया है क्योंकि गाने में बज रहे थे। तो अभी हो गई है शाम और इतना अच्छा मौसम हो गया है, मतलब आज बहुत गर्मी थी और हम मतलब आज लक भी हम क्या बताएं, हमारे जो गाड़ी का एसी है वो ख़राब हो गया था तो चल ही नहीं रहा था बिल्कुल। थोड़े थोड़े देर के लिए हम चला रहे थे तो बहुत गर्मी झेलनी पड़ी हमें, बट अब शाम हो गई है और मौसम देखिए बहुत ही प्यारा हो गया है। और कुछ ही घंटों नहीं मतलब रात के 8-9 तो बज ही जाएंगे और अभी मेरे ख्याल से 5 बज रहे थे, 5-6 शायद हो रहे थे। तो कुछ ही घंटों में हम गाँव पहुँच जाएँगे अपने बिहार और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी गाँव का वीडियो। तो जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और जो मेरे पुराने फ्रेंड है वो बने रहिएगा। तो यहाँ ये देखिए अभी आगे बहुत शायद यहाँ से जो होती है ना ट्रेन निकलती है उसी के लिए यहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं। ट्रेन चली जाएगी, ये वाली ट्रेन देखिए जा रही है, जब ये निकल जाएगी तब ये गेट होता है ना उसको ओपन करेंगे फिर सब निकलेंगे। तो ये देखिए ट्रेन। तो मेरे घर में बहुत सालों बाद लड़के की शादी हो रही है। तो लो जी इंतज़ार ख़त्म, अब बस हम पहुंच गए हैं अपने गांव बिहार, बस यहां से टर्न लेंगे और उसके बाद मेरा घर। तो आगे अच्छे अच्छे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, गांव के दिन शेयर करूंगी, शादी की रस्में शेयर करने वाली हूं आगे, तो चैनल पे बने रहिएगा। तो बस यहां से हम टर्न लेंगे और आ जाएगा मेरा घर। तो चलिए घर चलते हैं, आराम करते हैं क्योंकि पूरे दिन की जर्नी। फाइनली हम पहुंच गए अपने गांव और सारे बच्चे इतना हल्ला किए हैं कि मुझे लगता है पड़ोस में सबको पता चल जाएगा कि इनके घर वाले आ गए। वैसे मेरे यहाँ सिर्फ बड़े पापा बड़ी मम्मी रहती हैं। ये देखो कि तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे, ये देखो खाना वाना खाएंगे और उसके बाद मिलेंगे। चलो आपको बाहर दिखाएंगे, ये देखिए तो घर में पिछली बार भी दिखाई थी बट इस बार भी मैं आपको दिखा दूंगी। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से स्टेयर से और ऊपर भी रूम है और उसके बाद हॉल का डिजाइन ऐसा है। ये देखिए मेरा है ये कपड़ा, अच्छा खुला भी।